हेलो फ्रेंड्स, क्लास फिफ्थ के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा 8th लेसन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस सेट 33 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि आपकी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए और आगे का समझने में आपको आसानी हो जाए। आज हम हमारा प्रैक्टिस सेट 34 सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये जानने के लिए ये जो एक्टिविटी है नीचे हमको दी है ये हम सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालना है ये अब हमको पता है, हमने फैक्टर्स कैसे निकालना है ये सीखा है। तो अब ये जो नंबर्स हमको दिए हैं इनके फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। 2 के फैक्टर 1 और 2। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है और ये नंबर खुद 2, ये दो ही फैक्टर्स है। मतलब 2 ये कौन से टेबल में आता है, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के खुद के टेबल में आता है। 3 भी 1 के टेबल में आता है और 3 के खुद के टेबल में आता है। लेकिन 4 कैसा है देखिए, 1 के टेबल में आता है, 2 2 4 मतलब 2 के टेबल में भी आता है और 4 1 4 तो 4 के भी टेबल में आता है। 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 3 6। 3 के टेबल में आता है, 3 2 6 और 6 1 6। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से है, 1 2 3 एंड 6। ये 11 कौन कौन से टेबल में आता है देखिए, 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है और किसी भी टेबल में ये 11 नहीं आता। ये जो नंबर है 12 ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 6 12, 3 4 12 मतलब 3 के टेबल में आता है, 4 3 12, 6 2 12 एंड 12 1 12 मतलब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से है, 1 2 3 4 6 एंड 12। 16 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 8 16, 4 4 16, 8 2 16 एंड 16 1 16। तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 8 एंड 16। 19 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 19 के खुद के टेबल में आता है। और 25 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 5 के टेबल में और 25 के टेबल में। ये 3 ही फैक्टर्स है 25 के। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ नंबर हमको कैसे दिख रहे हैं देखिए, इनके सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक तो 1 है और दूसरा जो फैक्टर है वो खुद है। ओके, यहाँ पर भी 1 है और ये नंबर खुद उसका खुद का फैक्टर है। 5 के फैक्टर में भी 1 एक फैक्टर है और वो नंबर खुद एक फैक्टर है। 11 का फैक्टर भी 1 है और वो नंबर खुद उसका खुद का फैक्टर है। 19 में भी ऐसे ही है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है एंड सेकेंड द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर। तो ऐसा जब होता है, दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और वो दूसरा नंबर खुद, ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। मतलब ये नंबर्स किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के ही टेबल में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। और जिन नंबर्स को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब वो 1 और वो नंबर खुद तो है ही लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स उनके होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में हमको यहाँ पर दिया है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो जिन नंबर्स को 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद, तो उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर।
जिसको दो से ज्यादा फैक्टर्स है उसको क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, ओके। और सबसे मेन बात यह है कि वन इज अ नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वन क्या है, प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। वन का फैक्टर क्या है, सिर्फ वन है। प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर जरूरी है, तो यहाँ पर वन को एक ही फैक्टर है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, ओके। वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये एक स्पेशल नंबर है, ओके। अब टू भी एक स्पेशल नंबर है, क्या है इसकी स्पेशलिटी, टू ये सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। दिस इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ये एक ही ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये हमने देखा। अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट 34 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट 34 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 1 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है वो हमको लिखने हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 आर 2, 3, 5। देखिए 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 ये एक ही इवन प्राइम नंबर है, इवन नंबर होते हुए भी ये प्राइम है, लेकिन बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो ऑड नंबर्स है, ओके। तो हमको ऑड नंबर्स में ही देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद का ऑड नंबर आता है 9, लेकिन 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, वो 3 के टेबल में आता है। उसके बाद 11, 13, 15 ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 के और 5 के दोनों के टेबल में आता है। उसके बाद 17 और 19, सो दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50। 21 और 50 के बीच में जो कॉम्पोजिट नंबर्स है वो हमको लिखने हैं। 21 एंड 50 के बीच में, मतलब 21 और 50 को हमको नहीं लिखना है, ओके। तो 22, दिस इज कॉम्पोजिट नंबर, ये 2 से डिविजिबल है, ओके। सारे इवन नंबर्स तो कॉम्पोजिट नंबर्स में आएंगे ही, ओके। अब 23 ये प्राइम नंबर है क्योंकि वो दूसरे किसी नंबर के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में आता है। उसके बाद 24, 25 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि ये 5 के टेबल में आता है। 26 इवन नंबर है तो ये कॉम्पोजिट नंबर ही होगा, ओके। 27 ये 3 के टेबल में आता है इसलिए ये भी कॉम्पोजिट है। 28, 29 ये प्राइम नंबर है। उसके बाद 30, 31 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद आता है 32, 33 भी 3 से डिविजिबल है। 3 × 11 अगर करेंगे तो 33 आता है, राइट। तो 33 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। 34 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट। 35 यूनिट प्लेस पर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, तो ये 35 भी कॉम्पोजिट है। 5 × 7 = 35, ओके। 36 दिस इज ऑल्सो कॉम्पोजिट। 37 प्राइम नंबर है। नाउ 38, 39, 39 ये 3 से डिविजिबल है, 13 × 3 = 39 आता है, तो ये 13 के टेबल में आता है। 41 ये प्राइम नंबर है। 42 कॉम्पोजिट। 43 भी प्राइम नंबर है। नाउ 44, 45 ये कॉम्पोजिट नंबर है। 46, 47 ये प्राइम नंबर है। उसके बाद 48 एंड 49, 49 7 के टेबल में आता है, 7 × 7 = 49। सो दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50, ओके। 21 से 50 के बीच में इतने कॉम्पोजिट नंबर्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ नीचे जो लिस्ट दी है उसमें
प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं उसको हमको सर्कल करना है, प्राइम नंबर्स को सर्कल करना है। तो इवन नंबर तो सारे छोड़ ही दो आप, इवन नंबर तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, अगर टू को छोड़ा तो। हाँ, अब 22 इवन नंबर है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, 37 ये प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है। इनके 1 और 37 इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं है, किसी भी टेबल में ये नहीं आता है, सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में आता है, ये भी 1 के और खुद के ही टेबल में आता है। ये इवन नंबर है तो ये प्राइम नहीं होता है। ओके, दिस इज 53 इज प्राइम नंबर, 60 इवन नंबर है, 91 ये 13 के टेबल में आता है, 13 7s are 91। ओके, 57 ये 3 से डिविजिबल है। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको नहीं आई है अभी तक, लेकिन अगर इनकी हम टोटल करें 5 plus 7 तो ये क्या आती है, 12 आती है। तो 12 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है। तो अगर नंबर के डिजिट की टोटल 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर 57 3 से डिविजिबल है तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता। ओके, 59 ये प्राइम नंबर है, 77 ये 11 के टेबल में आता है, 79 इज़ अ प्राइम नंबर, 97 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, एंड 100 ये तो इवन नंबर है तो ये प्राइम नहीं हो सकता। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। ओके, तो फोर्थ का आंसर हम यहां पर लिखेंगे, सिर्फ 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। ओके, 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर खत्म होता है। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।